गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, आज मैं आपको आपका चैप्टर 19 इंग्लिश ग्रामर में, जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, जिसकी मैंने आपको पूरी रूल्स की वीडियो भी पहले भेजी है। अब मैं वो जो आपका बुक वर्क है वो किस तरह आपको फिल करना है, किस तरह आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, ये आपको सिखाऊंगी। तो आप अपनी बुक को ओपन करें चैप्टर 19। सबसे पहले एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको इसके रूल्स को कि डायरेक्ट एक्चुअली होते क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन यू क्वोट द एक्चुअल वर्ड्स टू ए स्पीकर इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी कि जब आप कोई शब्द डायरेक्ट यानी कि सीधे रूप से किसी सुनने वाला जो स्पीकर है वो सीधे वर्ड जो है किसी से कहता है, यानी कि मान लो मैं आपसे डायरेक्ट बातचीत करती हूँ तो वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि प्रत्यक्ष बात है। और वही बात आप जो है किसी अन्य व्यक्ति को, हमारे द्वारा हम दोनों के बीच में हुई बात को, अगर आप वही बात किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो वो बात हमारी इनडायरेक्ट, यानी कि वो आप इनडायरेक्ट वे में बताते हैं तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे कि देखेंगे आप, कनिका सेड आई वांट टू गो होम। कनिका क्या कह रही है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। भाई प्रत्यक्ष रूप से उसने कहा है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, आप उसको इनडायरेक्ट वे में क्या कहेंगे, वही बात हम किसी और को अगर बताते हैं तो हम क्या कहेंगे, कनिका सेड दैट शी वांटेड टू गो होम। कनिका ये कह रही है कि वह घर जाना चाहती है ना, तो यानी कि मैं को हमने क्या कर दिया, वह घर जाना चाहती है। तो इस तरह कोई प्रत्यक्ष बात को अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति से कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ठीक है, तो इसके जो रूल्स हैं बच्चों मैंने आपको भेजे भी हुए हैं। अगर मान लो आपका जो डायरेक्ट स्पीच है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है तो उसको आप जो है सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में। जैसे कि ही सेड आई गो टू स्कूल, ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज है वो टेंस है वो भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं बच्चों, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट एंड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डोंट चेंज। जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर डायरेक्ट स्पीच आती है तो उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। ये आपने बिल्कुल क्लियरली जो मैंने आपको स्पेशल वीडियो भेजी है रूल्स की उसमें आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है आई मी माइन वी अस आर और आवर्स, ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होते हैं। यानी कि अगर कहीं पर आई मी माई वी आर अस आ गया तो वो जो हमारा सब्जेक्ट होगा उस पर निर्भर करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होंगे। और सेकंड पर्सन जैसे कि यू योर योर्स, ये हमारे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं। ठीक है, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है, डायरेक्ट में अगर ये चीज़ है इनडायरेक्ट में ये बन जाएगा, जैसे हेयर है तो देयर बन जाएगा, दीज है तो दोज बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको सब याद करनी है, आपको अपने माइंड में फिट करनी है। अगर कमांड वाले हमारे डायरेक्ट आते हैं तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, लीव द प्लेस सेट द टीचर टू द बॉयज, तो द टीचर टू सेट द टीचर टू द बॉयज को हम पहले ले आएंगे। ठीक है, द टीचर क्या कर रही है, लीव द प्लेस, छोड़ दो, ऑर्डर दे रही है, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू लीव द प्लेस। यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑर्डर्ड एडवाइज सजेस्टेड रिक्वेस्टेड एटसेट्रा लगाते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस करेंगे। फिर अगर हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट में आते हैं तो हम क्या करेंगे, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी, व्हाट की जगह क्या लिख देंगे, आस्क्ड लिख देंगे, और व्हाट को शॉर्ट वर्ड को स्मॉल लेटर में लाएंगे, और जो पीछे वाला हमारा वर्ड्स है उसको सिंपल अजर्टी में ले जाएंगे, आई वाज डूइंग। ही सेड टू हर डू यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर बच्चों अगर डू आता है यानी कि यस नो टाइप वाले हमारे इंटरोगेटिव आते हैं तो उसको हम सिंपल बना देते हैं, अजर्टी में बना देते हैं, और उसमें वेदर और इफ का यूज़ करते हैं। ही आस्क्ड हर कि वेदर शी प्लेड क्रिकेट, सॉरी, उसने उससे पूछा कि वो क्रिकेट खेलना चाहती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी अब एक्सरसाइज है,
हाँ, बड़े ध्यान से इसको देखें और मेरे साथ साथ जो है आप अपनी बुक को फिल करें। सुचित्रा सेड आई विल गो टू पंजाब टुमोरो। तो आई विल फ्यूचर टेंस में है तो विल का बच्चों वुड हो जाता है। तो सुचित्रा सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट। सुचित्रा सेड दैट, आई कौन है, सुचित्रा है, तो सुचित्रा एक लड़की है तो हम क्या लगा देंगे, शी वुड गो टू पंजाब द टुमोरो, यानी कि द नेक्स्ट डे। यहाँ पर प्रीवियस डे ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर आप इसे भी टोके लिखेंगे नेक्स्ट डे। क्या लिखेंगे, नेक्स्ट डे, टुमोरो का नेक्स्ट डे बन जाता है, और अगर यस्टरडे होता है तो प्रीवियस डे आता है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, सुचित्रा सेड दैट शी वुड गो टू पंजाब द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है हमारा नीतू सेड दीज मैंगोज आर राइप। तो नीतू सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट लिखेंगे, नीतू सेड दैट दीज का दोज हो जाएगा, दोज मैंगोज वर राइप। नीतू ने क्या कहा कि वे आम खट्टे थे, ठीक है। ही सेड आई एम गोइंग टू मीट माई आंट नेक्स्ट वीक। तो ही सेड दैट, आई कौन है, ही है, ही वॉज गोइंग टू मीट हिज आंट द नेक्स्ट वीक। यहाँ पर भी प्रीवियस नहीं आएगा बच्चों, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वीक, क्या आएगा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक ही आ जाएगा, ठीक है। फिर है द टीचर सेज राम इज इंटेलिजेंट बॉय। द टीचर सेज दैट राम वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। बीना सेड टू मी आई बोट अ न्यू फ्रेंड यस्टरडे। बीना टोल्ड मी दैट, आई कौन है, बीना लड़की है, तो शी हैड बोट अ न्यू फ्रेंड द प्रीवियस डे, यस्टरडे यानी कि प्रीवियस डे। माई फ्रेंड सेड आई लव टू रीड रस्किन बॉन्ड। माई फ्रेंड सेड दैट ही लव्ड टू रीड रस्किन बॉन्ड। नीलम सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नीलम सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। द गार्डनर सेड डोंट वॉक ऑन द लॉन। तो यहाँ पर क्या है, डोंट वॉक ऑन द लॉन है, तो यहाँ पर द गार्डनर सेड भी आ सकता है, और गार्डन क्या, गार्डनर क्या कर रहा है, हमें सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो द गार्डनर क्या कर रहा है, द गार्डनर सजेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन द लॉन, ठीक है। फिर है माई मदर सेड आर यू कमिंग विद मी टू द मार्केट। तो माई मदर आस्ट वेदर दे वर कमिंग विद हर टू द मार्केट, ठीक है। माई मदर आस्ट, क्या आ जाएगा, वेदर दे वर कमिंग विद हर टू द मार्केट। द चिल्ड्रन सेड वी हैव डन द चिल्ड्रन सेड वी हैव डन आवर वर्क। द चिल्ड्रन सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। माई ब्रदर सेड आई वॉन्ट टू जॉइन अ न्यू कंपनी। माई मदर सेड दैट ही वॉन्टेड टू जॉइन अ न्यू कंपनी। द टीचर सेड लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो द टीचर सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें हम जरा सा भी चेंज नहीं करते हैं, क्लियर। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने हैं। तो ही सेड दैट को कटाकर हम इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। ही कौन है, आई है, आई हैड को हैव में चेंज करेंगे, यानी कि अपोजिट अब रूल्स हमें फॉलो करने हैं। आई हैव गॉन टू विजिट अ फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा ऊपर जो है इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, ठीक है। फिर है द साइंटिस्ट से, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। एन ओल्ड मैन सैड, इन्वर्टेड कॉमा, हु विल बेल द कैट, ठीक है। रिचा सैड टू शीना, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वेयर हैज योर फादर गोन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। आई सैड टू हिम You have done your homework. Inverted comma में you have done your homework को लिखेंगे, compliment को। The principal said to us, inverted comma start, keep quiet and do your work. He said, inverted comma start, India become independence on 15 August 1947. इसमें कुछ भी change नहीं करेंगे। He said, the earth moves round the sun.
ये भी एज इट इज लिखेंगे. ही सेड ही इज राइटिंग अ लेटर. ही सेड टू मी व्हेन यू विल गो. व्हेन विल यू गो टू योर प्लेस. यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखेंगे व्हेन के बाद विल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यू. व्हेन विल यू गो टू योर प्लेस. ठीक है, ये सही करेंगे आप. फिर है आई सेड टू हर व्हाट इज योर नेम. द वाइफ सेड टू हस्बैंड व्हाई इज ही लेट. क्लियर. तो इस तरह बच्चों आपको अपने इसके सारे रूल्स आपको याद करने हैं और अकॉर्डिंग टू दिस आपको इसे बुक वर्क में फिल करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, तो इसको बड़े ध्यान से आप इसे करें और इसके सारे रूल्स को जो है आप अपने माइंड में सेटअप कर लें और याद कर लें, क्योंकि ये आपका 9th to 12th तक का चैप्टर है जो आपको हमेशा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो आप बड़े ध्यान से इसको बच्चों करें. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.